रुक्मणी मैया ने पत्र में जो लिखा है वो बातें आप ध्यान लगा करके थोड़ा श्रवण करें। ये प्रभु हमने आपके गुण सुने हैं, प्रभु जी आपके गुणों को सुना है तो मेरे अंदर आपको पाने की इच्छा जागृत हो गई है। सुन के पाने की इच्छा जागृत होना चाहिए, भगवान को पाने की इच्छा मन में से जागनी चाहिए। विभीषण जी जब राम जी की शरण में पहुंचा था उनकी सारी सहेलियां मिल करके कोई विद्या कृष्ण तो नहीं था।